The Pema Khandu-led BJP government in Arunachal Pradesh is growing in strength. The National People's Party today extended support to the Pema Khandu government for the development of Arunachal Pradesh and to work as a team towards the state's progress. And speaking exclusively to Northeast Live, NPP State President and MLA Thangwang Wangham stated that the government's priorities this year will focus on the social sector. मिनिस्टर से हम कर्सी कॉल किया है. इलेक्शन से पहले हमने प्रो गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ने के लिए हमने स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मीटिंग में हम फैसला किया था. आपका मीडिया में हमने डिक्लेयर किया था कि पेमा खांडू इस विल बी आवर चीफ मिनिस्टर फेस बोल के हमने डिक्लेयर किया था और उसी हिसाब से फ्रेंडली इलेक्शन हुआ हम लोग. तो अभी NPP का साइड से 5 MLA जीत के आया, तो हम उसको एक सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए जो ऑलरेडी हम तो है ही NDA में है, तो फिर भी एक ऑफिशियली आज हमने एक चिट्ठी सबमिट किया कि हम आपका साथ है अरुणाचल का डेवलपमेंट के लिए, एक पार्टनरशिप बन के एक टीम अरुणाचल बन के हम लोग काम करेंगे बोल के हमने अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया. खांडू गवर्नमेंट का इस बार मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ही मेच्योरली काम करेगा. अभी हमने जो ब्रीफ डिस्कशन में आया कि टॉप टू बॉटम स्कीम होता था, अभी बॉटम से टॉप स्कीम होगा. डिस्ट्रिक्ट लेवल से ग्रासरूट लेवल से जो ग्रीवेंसेज है, जो प्रॉब्लम है, बॉटल नेक है, जो पोर्ट होल्ड को मालूम करके प्रोजेक्ट को करेगा और आगे बढ़ेगा. बल्कि अभी CM साहब ने खुद बोला है एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में तो इम्पोर्टेंट डे ही रहा है. तो इस बार हम सोचा है अर्बन सेक्टर में एट लीस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जो अर्बनाइज डिक्लेयर किया उसमें अर्बन सेक्टर में एम्फेसाइज करेगा लगता है. और अर्बन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जहां अर्बन है 10,000 पॉपुलेशन है, वो अर्बन एरिया में 5,000 पॉपुलेशन है, वो लोग को पंचायती इलेक्शन में जो राइट मिलता नहीं है तो उनको भी राइट देना चाहिए. उनको भी एक अर्बन में भी एक अपना म्यूनिसिपल का इलेक्शन होना चाहिए. माने ये हमारा NPP हम रिक्वेस्ट करेंगे उन हमारे साहब को CM साहब को. और CM साहब मैंने सोशल सेक्टर में ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो है ही. Significantly, with this development, Congress MLA Kumar Y remains the sole opposition member in the Arunachal Assembly.